सपोर्ट सपोर्ट आप लोग हटियो तो सही हटियो स्लो डाउन करो ना डाउन करो डाउन करो नीचे करो डाउन करो ना यार लूटा डाउन करो तो आप देख पा रहे हैं कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी को विधानसभा परिसर में जो स्कॉर्ट गाड़ी थी उस गाड़ी से उनकी गाड़ी के बीच टक्कर हो गई है, उनको चोट लगी है। अब वो थोड़ी बेहोशी की हालत में नज़र आ रहे हैं। हालांकि खुद उनके जो सुपुत्र हैं इरफान अंसारी, उनके परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस में उनको ये देखेंगे सामने एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब जस्ट तुरंत की ये घटना है। और विधानसभा परिसर से जैसे ही मीडिया कर्मियों से बात करने के बाद फुरकान अंसारी अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, उसी दौरान एक स्कॉर्ट गाड़ी से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई और वो सामने फ्रंट में ही बैठे हुए थे। जाहिर सी बात उनको चोट लगी है और चूँकि सामने में ही ये टक्कर हुई है लिहाजा वो बेहोशी की हालत में है। उनके परिवार के लोग हैं और खुद इरफान अंसारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं और फिलहाल बेहोशी की हालत में नज़र आ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे और उनके परिवार के लोग भी, उनकी हालत ख़राब है। और अब वो गाड़ी हम दिखाएंगे, वो गाड़ी दिखाएंगे, इसी गाड़ी से ये टक्कर हुई है। आप देख पाएंगे ये गाड़ी देखिए GH1 01CB 81812, ये एडवांस पायलट गाड़ी है, इसी गाड़ी से ये टक्कर हुई है और फ्रंट से इसी कोन से जो फुरकान अंसारी की गाड़ी को सामने में धक्का लगाया है और उसके बाद वो उस गाड़ी में भी चोट आई है। और वो गाड़ी दिखाएंगे इरफान अंसारी साहब की जो गाड़ी है, वो गाड़ी फुरकान अंसारी साहब की जो गाड़ी है वो देखेंगे आप। ये देखिए गाड़ी में जो निशान है आप सामने हम देख पा रहे हैं और इस जगह पर फुरकान अंसारी साहब बैठे हुए थे और वो सामने में देखिए वो गाड़ी जो लगी है उसके निशान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी गाड़ी चला रहे थे, कैसे हुआ अचानक कैसे गाड़ी? अभी सर जैसे पोटिको में चढ़ाए हम लोग बेल्ट लगाने वाला है, लगा के निकलना है धीरे, बहुत हाई पिकअप से वो गाड़ी आ रहा था। आप अपने रास्ते जा रहे थे, वो गाड़ी मारी जी? बहुत हाई पिकअप से गाड़ी कहाँ मारा के देखिए। जी हम जहाँ पर शॉप के सामने है इसमें हम लोग का क्या करें बोलिए, सीधा के गाड़ी मार जी सीधा आके मार दिया। आप ही देख पाए थे? जी नहीं, एकदम हम लोग बेल लगा के आप निकालना धीरे धीरे निकालना है। हाँ। इतना हाई स्पीड आ रहा है यहाँ पर रोक नहीं पाई गाड़ी को। जी नहीं। अच्छा तो फुरकान साहब को लगा है चोट लगी? जी चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, फिर अब तो अंदर से नॉर्मल से। हाँ हाँ तो अभी ना सीट बेल्ट तो नहीं ना सेट किया, तुरंत नहीं लगा सीट बेल्ट? नहीं अभी तो चढ़ा के जस्ट लगा। हाँ जी निकल रहे थे सीट बेल्ट गाड़ी में। ये देखिए जैसा बता रहे हैं कि जस्ट अभी ये गाड़ी निकल ही रही थी और उधर से जो एडवांस पायलट की जो गाड़ी होती है वो बहुत स्पीड के साथ यहाँ से आ रही थी, लिहाजा इनको समय नहीं मिला उनको देखने का, अचानक से वो गाड़ी आई। अब देखेंगे सामने वो एडवांस पायलट की गाड़ी है और ठीक कहाँ पर वो लोकेशन है वो आपको बता दें। ठीक वो ये लोकेशन है, हम लोग जस्ट इसी बगल में ही खड़े थे और इस जगह पर ही ये जो है वो टक्कर हुई है। अनकॉन्शियस टाइप के हुए तो मैंने उनका पल्स देखा तो पल्स ठीक चल रहा था, चेस्ट में वो अपना दर्द बता रहे थे तो हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला रखा था, तुरंत एम्बुलेंस में हम लोगों ने चढ़ा के उनको भेजा। हाथ में उनका लेफ्ट साइड में थोड़ा कट है, हल्का ब्लड आ रहा था तो इसलिए जल्दी से भेजा गया कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको इलाज मिल जाए। अगर ऐसे कहा जाए अभी देखने से तो नहीं लग रहा कि बहुत सीरियस कुछ इंजुरी अंदर में है, लेकिन पूरा एग्जामिनेशन के बाद ही कहा जा सकता है। पैर में चोट लगी है? पैर में नहीं, यहाँ पे बता रहे थे हाथ में बता रहे थे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अजीत, सर्जन सदर अस्पताल रांची। तो ये आपने देखा चिकित्सा की बात सुनी कि बहुत मेजर इंजुरी नहीं है लेकिन उनको अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है और ठीक। हाँ हाँ
जी, इसी गाड़ी से बहुत स्पीड में ये गाड़ी आ रही थी और वो इस गाड़ी जो है खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधे जो है फुरकान अंसारी साहब की जो गाड़ी थी उसकी गाड़ी में वो सीधे सीधे ये धक्का लगा है, जिसके बाद चूंकि फ्रंट सीट पर ही बैठे हुए थे लिहाजा उनको जो कुछ चोटें आई हैं, लेकिन बेहतर जो है वो डॉक्टर चिकित्सक ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने पल्स रेट देखा है और बाकी चीज़ें देखी हैं, फिलहाल वो बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है लेकिन वो अनकॉन्शियस हैं, वो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस है और अब देखेंगे कि इसी गाड़ी से धक्का लगा है और इसी गाड़ी के धक्के से जो है वो ड्राइवर साहब आप देख पा रहे होंगे आप ड्राइवर नहीं हैं? ना, अच्छा अच्छा, ये देखिए इरफान अंसारी साहब जा रहे हैं जैसे पिता को देखने के लिए, चूँकि उनको तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल रेफर किया गया है फुरकान। और बहुत अजीब सी बात है, जस्ट पहले हम लोग थोड़ी सी बैठ भी ले रहे थे चूँकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के जो बयान आए उस पर, और उस पर वो बैठ देकर थोड़ी देर के लिए बस आप देखिए पोर्टिको से लेकर के यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर है वहाँ यह पहुँचे और हम लोग ही बगल में खड़े थे और यहाँ पर ठीक अब इस चौरस्ते में धक्का लगा है और ये देखिए पायलट गाड़ी को वहाँ से हटाया जा रहा है और ये जो निशान है आप ज़मीन में देखिए, जो निशान आप दिख रहे हैं आपको, ये जो निशान है यहीं पर एक्चुअल में ये घटना घटी है। और इसी तरह ये गाड़ी को पहले जो एडवांस पायलट गाड़ी है इसको शिफ्ट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, इसमें भी चोट जो है वो निशान आप देख पाएंगे। और फिलहाल अब क्या कुछ हुआ है वो बेहतर बताएंगे कि आखिर ये ऐसी क्यों बात हुई है कि एक विधानसभा परिसर में इस तरह का धक्का हो जाए और इस तरह की बातें हो जाए, तो बहुत अजीब सी लगती है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अप टू मार्क रहती हैं, यहाँ पर अननेसेसरी लोगों को आने जाने नहीं दिया जाता है। अभी भी आप देखें फुरकान अंसारी साहब की जो गाड़ी है वो यहाँ पर 2222 का की ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगी हुई है और अभी भी आप देखें किस जोर से ये धक्का लगा है उसका अंदाज़ा आपको लगेगा। ये जो चोट के निशान हैं, ये जो धक्के का निशान है वो आपको अंदाज़ा है, अगर ये जो धक्का है थोड़ा सा और अगर उस तरफ से हो जाता तो जाहिर सी बात है जो बात है वो बड़ी हो जाती, वो बात बड़ी हो जाती, लेकिन फिलहाल इस गाड़ी को यहीं रखा गया है और ये गाड़ी भी नई गाड़ी है और फॉर्च्यूनर है गाड़ी, तो सेफ्टी के तमाम इंतजाम किए जाते हैं इसमें, बावजूद इसके इस तरह की घटना हुई है। और अच्छा, आपको भी चोट लगी है क्या? चोट तो हमको लगा नहीं, हमको लगा थोड़ा पैर में इस साइड में जो मारा जोर था, यही बात। अच्छा, आप क्या लग रहा है गलती है हमारी? गलती वही गाड़ी है सर जी, बहुत हाई स्पीड, उनका चक्का का ब्रेक देखिए कहाँ ब्रेक किया ये जैसा ट्रिक जैसा। ठीक है, तो आप देखिए इनसे पहले भी बात हुई है, देखिए लगातार इस गाड़ी को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और पायलट गाड़ी को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया है और इस लोकेशन में ये एक्सीडेंट हुई है, घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है बड़ी बात है विधानसभा परिसर के अंदर अगर इस तरह की हादसा हो जाए। आमतौर पर आप देखे होंगे कि जब भी कोई मंत्री हो या दूसरे जो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं वो अगर आप शहर से गुजरते हैं तो उनके साथ जो पायलट गाड़ियां होती हैं उनकी जो रफ्तार होती है, पता नहीं उनकी रफ्तार की लिमिटेशन है कि नहीं है, उन लिमिटेशन को वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जिस स्पीड से और जिस रफ्तार के साथ सबको अगर आम राहगीर अगर चलने वाला उसे रास्ता ना दे या थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो यकीन जानिए कि बड़ा हादसा हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पायलट गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उनको जो जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा भी पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके अपने हक और अधिकार है, उनके अपने हुकूक पर गैदरिंग कम होती है, लोगों की आवाजाही कम होती है, तमाम तरह के इंतजाम होते हैं, तुरंत एम्बुलेंस मिल जाती हैं, तमाम सुरक्षा कवच मिल जाते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, लिहाजा यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें अगर आम सड़कों पर हो तो जाहिर सी बात घटना बड़ी हो जाती है। हमारी कोशिश बस ये है कि जो चीज़ें हैं वो आपको एक्चुअल रूप में आप दिखाई जाएं। अब अभी एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार बता दें कि विधानसभा परिसर के अंदर मीडिया कर्मियों से बात करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी साहब गुजर रहे थे,
ठीक विधानसभा परिसर के अंदर पायलट गाड़ी से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई है, उनको मामूली चोटें आई हैं, बेहोशी की हालत में उनको यहां से हॉस्पिटल भेजा गया है, रेफर किया गया है। जब ये घटना हुई थी थोड़ी दूर पर ही उनके सुपुत्र जो हैं इरफान अंसारी वो यहां पर मौजूद थे। पायलट गाड़ी की तस्वीर भी हमने दिखाई है और जिस गाड़ी में फुरकान अंसारी साहब सवार थे उस गाड़ी की तस्वीर दिखाई है। वो बोलने की स्थिति भी नहीं थे लेकिन डॉक्टर और चिकित्सक जो मौजूद थे सर अस्पताल के उन्होंने बताया है कि पल्स उनका ठीक चल रहा है, बेहतर स्थिति में है लेकिन वो अनकॉन्शियस हैं, बेहोशी की हालत में फिलहाल उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी